हर जिंदा कौमें इतिहास में गुजरे बेतहाशा जुर्म की तारीखें कहां भूल पाती हैं। भूलना चाहे भी तो तारीखों की पुनरावृत्ति जहन में दफन उन निहत्थों की चीत्कार याद दिला देती है। तब सालों पहले सियासत और आस्था के नाम पर लिखी गई रक्त साक्षी सुबह की यादें ताजा हो जाती हैं। तारीखों के पन्ने को पलटकर इतिहास के आगोश में बहते रक्त की धाराओं की कलकल कान के पर्दों से टकराकर दिल की गहराइयों में उतर जाती है। याद आता है वो भयानक मंजर जब अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर सैकड़ों गोलियां उतार दी गईं। आकाश की गहराइयों में गतिमान उगते और ढलते सूरज के साथ दिन तो गुजर जाते हैं, लेकिन तारीखें और उन तारीखों के पन्नों पर लिखा गया निर्मम इतिहास हमेशा याद रहता है। 30 अक्टूबर 1990 की वो तारीख कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है अयोध्या की गलियों में गूंजी उन निरीहों की चीख पुकार और बदन से निकली रक्त की धारा जिसने राम नगरी की पावन मिट्टी को लाल कर दिया था? कौन भूल सकता है 30 अक्टूबर 1990 की वो कातिलाना तारीख जब राम की नगरी में राम के भक्तों की लाशें बिछा दी गईं और फिर उनकी चिता से निकली आग से सालों तक सियासत की रोटियां सेकी जाती रहीं। यही वो तारीख थी जिसने समाजवाद के सिपाही, किसानों के मसीहा और धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम नाम दिया। ये कहानी 32 साल पहले अयोध्या में गुजरी जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इसी फायरिंग में कोलकाता से आए कुठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। अयोध्या में हुई इस गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह यादव की मुस्लिम परस्त वाली छवि बन गई। कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव ने कई साल बाद कबूल किया कि उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था। मुलायम सिंह यादव ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी, हालांकि मुझे इसका अफसोस है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। अयोध्या के इतिहास में आज भी 30 अक्टूबर की तारीख दर्ज है, जिसके
के पटल पर उस रोज गुजरी क्रूरता की कहानी और कारसेवकों के सीने पर उतारे गए बारूद की यादें तरोताजा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।